एक सफर शुरू हुआ था नो बड़ी से संबड़ी, कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और आज सब कुछ नो बड़ी टू संबड़ी। ये सफर इतना आसान नहीं है। आपको लगता है आसान है? बहुत डेडिकेशन लगता है, डिवोशन लगता है, पैशन लगता है, पूरा खुद को सरेंडर करना पड़ता है। आज जितने बार बिहार का नाम लिया गया उसका यही कारण है, सरेंडर, डेडिकेशन। सक्सेस इज नॉट परमानेंट, सक्सेस इज नॉट परमानेंट, फेलियर इज ऑल्सो नॉट फाइन। आपको लगता है फेलियर इज फाइन है? नो। सो ऑलवेज मेक योर एफर्ट्स, सो ऑलवेज मेक योर एफर्ट्स अंटिल योर विक्ट्री बिकम्स हिस्ट्री। Victory becomes history. Help me to call the fastest crown ambassador of India and the first crown ambassador of Bihar, Mrs. Dharmashila and Mr. Surendra Prasad on the stage, please. सटाया गया तो बस सीढ़ी बनी। ये मॉडिफिकेशन क्या जमाना है, अभी नेटवर्क का जमाना आया, लीप लगाओ सीच दबाओ ऊपर जाओ, वही जमाना आपके पास आ गया। अगर आपको पैसा कमाना है तो एक लीप लगाना ऊंचाई तक चढ़ने। पूरे दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम आया है वो है नेटवर्क मार्केट, नेटवर्क मार्केट। ये बिजनेस वैसा है, आपका प्रोफेशनल बिजनेस है, रिस्पेक्टेड बिजनेस है, आप आदरणीय साथ कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड इसको मान्यता देता है, आपका देश भी मान्यता देता है, इसका यह नियम कानून बन गया है। अगर आप इसमें अब काम नहीं करेंगे तो समझिए आपका नसीब खराब। अगर आप अपना अच्छा नसीब बनाना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, खूब शोहरत कमाना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए डीएक्शन प्लेटफॉर्म तैयार है। इसके लिए करना क्या होगा, सवाल उठता है। लीप तो ऐसी बनेगी नहीं, इसके लिए बिल्डिंग बनेगी, तब लीप बनेगी। उस बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, वो है गैनोडर्मा प्रोडक्ट।
आप एक का घर तक उसको पहुंचा सकते, जिस तरह से आपके घर में न्यूज टीवी से या फिर पेपर से न्यूज डेली पहुंचती है कि नहीं, डेली पहुंचती है, उसी तरह से प्रोडक्ट हमारा हर एक उपभोक्ता के पास पहुंचना चाहिए, एक ब्रांड बनकर चेंज, यानी उस घर का हमको ब्रांड चेंज कर देना, हर एक मनुष्य का एक ही दावा होना चाहिए, उस घर का हम एक ब्रांड चेंज करें। नो डिजी, डिजी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, वो आदमी कितना खाएंगे, कितना दिन तक खाएंगे, आज ठीक हुए कल छोड़ देंगे, तो क्या होगा, आपका सिस्टम छूट जाएगा। हम लोग यहाँ की कहानी सुने थे, यहाँ बहुत से पहले लोग डॉक्टर वाला काम करते थे, कभी बड़े निगम के पीजी सुने थे, कभी तो बोले डॉक्टर डॉक्टर, हम लोग सोचते डॉक्टर का कोई चीज है नहीं, हम लोग तो डॉक्टर है नहीं। मैं सुरेंद्र प्रसाद बिहार शरीफ से हूँ और मैं कोई डॉक्टर पर नहीं, मैं एक सिंपल बिजनेसमैन, कपड़े का दुकान करने वाला, मेरे पास सिनेमा हॉल भी चलता था और आइसक्रीम फैक्ट्री, तीन बिजनेस हम क्या करते थे, उसे 25-40 हजार महीना आराम से हम कमाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि टॉक्सिन किसी को नहीं छोड़ता, टॉक्सिन किसी को छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता, जब पढ़े लिखे रहे चाहे पढ़ रहे, चाहे राष्ट्रपति रहे, चाहे प्यून रहे, उसे कोई मतलब नहीं है, सबको टॉक्सिन पकड़ता है, हमको भी टॉक्सिन पकड़ता है, टॉक्सिन पकड़ता है, लोग कहाँ जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास, हम भी जाते थे डॉक्टर साहब के पास, तो हमको भी दवाई लेता, दवाई में भी टॉक्सिन रहता है, वो टॉक्सिन खाता करके लोग का टॉक्सिन सही हो गया है, लाचार हो गया। मेरी मैडम को ज्यादा प्रॉब्लम आ गए थे, उन्हीं को चक्कर में सिलेक्शन में आए, मैडम के नाम पे जबरदस्त आ गई, कहीं ना कहीं चक्कर चलता है, बिना चक्कर के कुछ चक्कर चलने वाला, चक्कर चलना चाहिए, कभी कभी चक्कर चलता है, तो उत्तम नहीं है, वही हुआ, इनको प्रोडक्ट खिलाया, हम भी खाया, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में, लेकिन हमको ज्वाइनिंग कराने का एक ही अगर आप इसको कार्ड बना लेते हैं तो डिस्काउंट में मिलेगा, बिजनेसमैन का आदमी डिस्काउंट के नाम पर बहुत तेजी से भागता है, डिस्काउंट मिलेगा, तो हमने कार्ड बना लिया और पूरा सब प्रोडक्ट ले गए, क्योंकि छोटी बुक मिली थी, हम लोग पढ़े थे इस बुक को, पढ़ने के बाद उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज है, पूरा मन से प्रोडक्ट लिए थे, लगभग हमने 12,700 की टी बना था फर्स्ट मंथ, जब हम जैसे मिल जाएंगे फर्स्ट मंथ 12,700, क्या होता है टीवी क्या कुछ नहीं, हमने एक प्रोडक्ट लेना चालू किया, खाना चालू, पूरा परिवार दिल खुश हो गए थे, पेस्ट बहुत अच्छा, पेस्ट बार पड़ते, अरे इतना काम करता, उसमें काम बहुत सा लिखा हुआ था, इतना काम करता, अरे आप हम अपने आप मोटिवेट, दुनिया क्या कहता है उसे मतलब नहीं, इतना ये काम करता है, अगर किसी को आदमी आ गया तो लगा के देखो, टेस्ट कराते थे, कोई कोई जानता नहीं था इसके बारे में, हम जहाँ करते हैं कोई नहीं जानता, कोई बता देता नहीं वाला नहीं, तो पेस्ट यूज किया उसे क्या फायदा हुआ, चाय पिया कोई क्या फायदा, कोई बताने वाला नहीं, जहाँ कोई बताने वाला तो आप क्या कीजिएगा, खुद को सीखना पड़ेगा, बिना खुद को सीखे कुछ होने वाला नहीं है। उस एक महीना के दरमियान में हमने प्रोडक्ट खाया और खाने के बाद मीटिंग लगी हमारे प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना में, एक जबरदस्त मीटिंग थी पटना में, पटना में उनकी मीटिंग लगी, हम मीटिंग में बैठे थे, आप लोग जिस किसी बैठे क्राउन एम्बेसडर की मीटिंग, उसी तरह से हमने पहली बार क्राउन एम्बेसडर की मीटिंग देखे थे, हाइड्रा मीटिंग रहता वर्ल्ड बेसिस पर, इतना देख लिया पैसा ही बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, पैसा आएगा ही आएगा, हम तो वहां पैसा कमाने वाले थे, हम इलाज कराने लेने वाले, मेरा इलाज हो रहा था पैसा, क्योंकि पैसा कैसे आएगा, इसमें पता चला बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, इसका कोई लिमिट नहीं, ब्रेक में आगे हम लोग ब्रेक में बहुत पैसा आता है, क्या करना होगा सीखना होगा, अगर आपको गाड़ी चलाना तो क्या करना होगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हमने क्या किया सीखना चालू किया, इसका ऊपर अपलाइन के तो लाइन को जो जो बताया एकदम शिफ्ट की गया, अच्छा बता रहे तो रखो, अगर गड़बड़ बताए तो साइड करो, उससे कोई मतलब विजन नहीं करना,
जो अच्छा लगे लेते जाओ लेते जाओ। आज उसी का कारवा है कि हमने 5 महीना में डायरी बने थे, 5 महीने और हर एक आदमी से हम बात करते थे, जितना भी आदमी मिलता था सबसे हम बात करते, मेरे पास कोई ईगो नहीं था, हम क्या बोलेंगे ऐसा दिमाग में मेरे को कभी नहीं चल रहा था, अगर इनसे इसके बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे हाथ में अच्छा चीज लगा है इनको कैसे समझा दे तो आदमी समझ जाए, इसके बाद मेरा दिमाग में ये चलते रहा था। यही कारवा करते करते हमारी मैडम ने क्या सोची, हमारे पास दुकान पर बहुत भीड़ आने लगा, जो जो कस्टमर आता था वो हमको सब देखो चाय दे दिए, रिप्लेस दिए, क्या स्पाइना दे दिए, सब कदा बीच कीजिए, सब विश्वास देना का आदमी आता, जिसको जो बोलते थे ले लेता है, कोई ना नहीं बोलता, क्योंकि वहां क्या कहता आपका फेस वही बिकता है, ये प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता, मेरे के बारे में जानता है, हम जो हम यूज करें आप कीजिए, पहले हम यूज करते हैं आप कीजिए, तो वो लोग जानता थे ये लोग अच्छा चीज यूज करते हैं, अभी अच्छा चीज गलत चीज नहीं पता उनको, नेटवर्क नेटवर्किंग सब हम भी नहीं जानते थे, क्या नेटवर्क करता है क्या नेटवर्किंग, ये तो डायमंड बनने के बाद पता चला, ये नेटवर्क सिस्टम बाद में पता चला। वहां से क्या हो गया, मेरा जो रिप्लेसमेंट ग्राहक आने लगा वो बोला कि हमको आओ चाहिए, अब आओ चाहिए तो लफड़ा हो गया, अब उसको कितना ला के हम दे, उसके लिए क्या करते सबको ज्वाइनिंग कर करके स्टॉक काम दिखाते थे और वहां से हम फ्री होते थे और उसको ट्रेनिंग में बैठाते थे, जो जो उसके घर का एक टीम मेंबर आता बोले इसको इसको सीखो, तुमको जिंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगा, इसको तुम सीखो क्योंकि तुमको स्वस्थ रहना, इसको खाने के लिए सीखना होगा, क्योंकि खाने के लिए सीखना डोज होता है, जिससे बच्चा बोध में दूसरे कितना दूध पिलाए उसको माँ जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता, अगर बड़ा आदमी कितना दूध चाहिए उसका अलग डोज है, इसी तरह से उसका भी डेरोडर्मा प्रोडक्शन सबका क्या है डोज है, जो आपको मीटिंग में जाकर सीखना पड़ेगा, वहां से लोग आदमी सीखना चालू किए, जो कंज्यूमर बनता था उपभोक्ता उसमें हम डिमांड लगाते इसमें से आगे कौन चलेगा, कुछ कम छटाई करते थे, खाने वाला बहुत आएंगे, खाने वाला कोई कमी नहीं है, लेकिन इसमें आपका बात कौन फॉलो करता है, उस आदमी का कोई एक लिस्ट बनाना और उसको आपको एनी टाइम फोन मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में जैसे भी हो आपको लाना पड़ेगा, अगर उसको ग्रोथ कराना है तब। हम यही काम करते उसमें से सिलेक्शन 20 आदमी खड़ा को दिक्कत उसमें से एक्टिव आदमी को, तो लाइन बाय लाइन हम उस आदमी को देखते थे कि इसके नीचे के नीचे नीचे के नीचे नीचे के नीचे कौन एक्टिव आदमी आ रहा है, उस आदमी को हम पकड़ते, अभी भी मेरा वही काम, खाने वाला बहुत आएगा क्योंकि सिस्टम लगा हुआ उसमें से एक्टिव आदमी कौन है, उस एक्टिव आदमी को लिस्ट बनाइए, उसको हर तरह का ट्रेनिंग दीजिए, जो उसको सुविधा सुविधा लगे उससे बैठ के बात करना, अगर हम बैठ के बात नहीं करेंगे तब उसको क्या परेशानी है वो हमको समझ में नहीं आएगा, और लीडर का दायित्व होता है आपका जो आदमी बढ़ने वाला है उसको सुदूर में काम देना होगा, एनी टाइम उसको नया लगा होता है उसको भाड़ा तक नहीं रहता मीटिंग का कुछ नहीं, लेकिन उसको बढ़ने का चाहत है तो ऐसा आपको चेहरा फेस से पता चल जाता है इसका मजबूरी क्या है, उस आदमी को आपको हम सपोर्ट करते भी, उसको मीटिंग में बैठाने का प्रक्रिया भी करते हैं कि तुम बैठ के आओ, बैठ के आने के बाद तुम्हें कैसा लगा था, बहुत अच्छा लगा, क्या करना पड़ा तो काम करो, पैसा चाहिए ना, हाँ चाहिए तो क्या करना है, नहीं भी पैसा तो एक एक सामान ले जा करके, एक सामान मिलता है अपनी कंपनी के पास, एक सामान लाओ, दिन भर तुम घूमो उसको निकालो, उसको पीवी बनेगा, फिर सेल करो, फिर लाओ तुम्हारा पीवी बन जाए, बिना पूंजी का बिजनेस, रिएक्शन ब्रेन का बिजनेस है, आप दिमाग लगाओ पैसा कमाओ, इसमें ज्यादा कुछ करने उड़ने की जरूरत नहीं है, वही सिस्टम आज हम आज भी कर रहे हैं, जो नए लोग आते हैं नहीं पैसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, तू मेरे बात मान, यहाँ पर क्या होता है हमें नहीं मानी, लेकिन मेरे पास वैसा ही सिस्टम आज चल रहा है, चला भी रहे, और जो स्टार यहाँ कितने लोग स्टार लोग हैं, चलिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, रिएक्शन का बीज स्टार है,
स्टारों को आगे बढ़ना होगा, सोचना उन्हीं को हमको करंट इन्वेस्टर बनना है। अब स्टार को क्या करना हो, उसको आप बढ़िया अपलाइन खोजना होगा, आपका सिस्टम में उतरने वे जरूर, नियम कानून में कौन से लीडर आपके है वो आपको पता करना होगा। हो सकता है आपका बीच वाला लीडर कट करे, नहीं जाने दे, ये हो सकता है, लेकिन आप कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाला टीवी देखता है, ऊपर लीडर टीवी देखता है कि ये जो कोई आया है जो टीवी बराबर बनाता है सिस्टम में, टीवी कहाँ ग्रोथ होता है वो लीडर वहां से छाटता है। एक मीटिंग, दो मीटिंग, तीन मीटिंग में जाते जाते लीडर आपको पकड़ लेगा, क्योंकि उसके पास नाम आता है, चेहरा नहीं आता है। टीवी आता है, नाम आता है, चेहरा नहीं आता है। तो मीटिंग में पता चलता है जो डायमंड के जिस लाइन में आदमी आया, उससे हम लोग पूछते हैं कि जो डायमंड ये लड़का कौन है, हमको इशारा करना, उससे हम खुलवाते ये लड़का कौन है बताना। तो उस तरह से क्या होता है, लड़का को सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि बढ़ रहा टीवी ला रहा, जिस सिस्टम में टीवी आ रहा समझो काम कर रहा, जिस सिस्टम में टीवी नहीं आ रहा काम नहीं कर। तो एक्टिव स्टार को अलग ट्रेन, इन एक्टिव स्टार अलग ट्रेन, सबका ट्रेनिंग अलग, एक साथ करेंगे तो गड़बड़ तो हमेशा पंचड़े करे में रहेगा, एक्टिव रहेगा हमेशा बढ़ने में रहेगा, तो बढ़ने के बाद उसको हम प्लान सिखाने को समझ में आएगा। आज जो इनएक्टिव उसको प्लान सिखाने के समय में, तो आप तक जो स्टार बात मान रहा लाना इधर, उसको जिंदगी बदलना, क्योंकि स्टार को अगर एक बार पैसा 10,000 हम ला देते, सीनियर का दायित्व है कम से कम 10,000 तक उसको ला के दिखा देते हैं तो बेचारा दोबारा भी प्रयास करे कि हमको फिर से 10,000 आ जाए। वहां तक सीनियर को ध्यान देना है, क्योंकि लोग स्टार लोग अभी नया बेचारा है, लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आता, एडोडोमा प्रोडक्ट क्या वो इतना नहीं समझ में आता बढ़िया से, लेकिन डायमंड जाते जाते उत्तर ऊपर नीचे ये समझ में आ जाता है कि कैसे हम स्टार बने, अब हम कैसे डायमंड बनेंगे, ये समझ में आ जाता है। तो डायमंड का दायित्व है कि स्टार को 10,000 15,000 20,000 तक लाने पर सब लाइन पर ध्यान दें, डायमंड का दायित्व। जब इसको 30,000 40,000 आ जाएगा तब आप उससे आधा कट हो गया हटिए, क्योंकि आपने पैसा दिखा दिया कि 40,000 30,000 इसमें आता है, 40,000 30,000 उनको तो मेहनत लगा नहीं, क्योंकि सीनियर देख रहा है उसको। अब क्या होगा, धीरे धीरे इनका एक आध महीना फिर भी डबल जाएगा, सीनियर छोड़ेगा क्या होगा, एक आध महीना फिर भी डाउन जाएगा, तब उनको प्रेम से बैठाना, आपका बोनस कितना आ गया। इस बात हम लोग हर एक डायमंड को बोनस देखते हैं, और जिसका बोनस कम आता है 1,00,000 रुपया क्लास देते हैं उसको आपका 1 रुपया क्यों कमाया, साल बदल गया है, महीना बढ़ रहा है, आपका पैसा क्यों नहीं बढ़ा, यहाँ आया पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आए, पैसा कमाने के बारे में बहुत सा सकते डॉक्टर लिंग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोनस, जितना चाहे बोनस आप ले सकते हो, हम देने के लिए तैयार होते नाम तक जबरदस्त आ गया। तो बोनस स्टेटमेंट सबको दिखाना, जो जितना बोनस आपका आप दिखाइए, सीनियर का काम है जूनियर को देखना, उसको आगे टीवी बढ़ाने का ग्रोथ कराने का रास्ता दिखाना, ये लाइन में आपका कमजोर है उसको बढ़िया से सिखाइए, क्या कमजोरी तो बैठ के बात कीजिए, बोलने नहीं आ रहा, 5 आदमी खड़ा हो रहा तो कैसे बोल रहा है, आप उसको देखिए क्या क्या बोलता है मीटिंग में, अगर उल्टा बोल रहा है कि सीधा बोल रहा है, अगर सीधा बोलेगा तब पब्लिक ग्रोथ होगा, उल्टा बोलेगा तो सुन के भाग जाएगा, इसका मतलब टीवी से ग्रोथ नहीं कर रहा। तो सीनियर का काम है जहां जहां मीटिंग होता है उसको भी देखना है कि छोटा लीडर क्या बोल रहा है, उस तरह भी करना, बैठ के भी सुनना है, क्योंकि आपको उसको लीडर बनाना है, स्पीकर नहीं लीडर, स्पीकर को भी बोल के चला जाएगा उससे कुछ होने होने वाला नहीं है। लीडर हमेशा ग्रोथ करता है और करवाने की प्लान दिखाता है। सबसे ज्यादा टीवी आने का रास्ता हम लोग का जो देर तुरंत सामान झरे, हम लोग डायमंड मीटिंग में भी होता है ट्रेनिंग, अभी हमको टीवी चाहिए तो कैसे चाहिए, कौन सा सामान, जब से हम लोग को कुकुज आया कुकुज के नाम पर एक जबरदस्त आदमी चाहिए,
कुकीज के टाइम में हम लोग का ज्यादा टीवी भी नहीं था उस टाइम में, क्योंकि साबुन चाय पेस्ट अगर कोई एक बार कस्टमर लेता है तो चलाएगा एक महीना दो महीना तीन महीना, उझारने होने वाला है ये नहीं, जब उझारेगा नहीं तब टीवी बनेगा, टीवी बनने वाला नहीं है। कुकीज क्या होता है, इतना कुकीज का इतना बढ़िया टेस्ट है, कोई भी नया कस्टमर आता हमारे पास बैठता है उसको हम भी खाते कुकीज को खिलाते, पांच बिस्किट को पहले खिला देते उसको तो टीवी नहीं देगा पैसा नहीं देगा, टेस्ट खराब है। पांच लोग खिलाते हैं बड़े अच्छा, बताइए तो ये कुकीज कैसा लगा, तो बोलता मिठाई से बढ़िया लगता है, इतना मीठा लगता है, मीठा भी बहुत ज्यादा कुकीज है, मीठा टेस्ट मिठाई खाने की जरूरत नहीं है, इतना पावरफुल है। उसके बाद वो पेपर कटिंग आई थी हम लोग के पास, खड़गपुर से निकला था पेपर, उसमें लिखा हुआ था कि रागी बाजरा और गेहूं का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन के कुकी जाएगा जो लोग का लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा, हिंदुस्तान पेपर हम लोग की तरफ आया था, वो कटिंग हम लोग का बड़ा काम किया वो हम लोग दिखाते थे कटिंग को और पेपर सबके घर में जाकर बोले देखो पेपर पढ़ना है, आई कुकीज जो गेहूं बाजरा रागी वाला बोल रहा है ना वही कुकीज हमारे पास है, वही के साइंटिस्ट को रिसर्च करके निकाले है, वो कुकीज तीन साल के बाद आएगा, आज मेरे पास कुकीज आ गया, खा रहे लीवर बढ़िया रहेगा, क्या हमारे बढ़िया रहेगा, लीवर बढ़िया रहेगा, आपका सब कुछ बढ़िया रहेगा, इतना बढ़िया कुकीज, अगर कहीं बच्चा ही कुकीज खा लिया तो लीवर तो बढ़िया रहता है, धीरे धीरे ग्रोथ भी करता है, कोई भी माँ ने ये नहीं सोचा मेरा बच्चा का ब्रेन चेंज नहीं, पहले क्या करना मेरा कुकीज में पावर है इन्हें जबरदस्त ताली होनी चाहिए, उसके बाद जो घर में कुकीज जाता बच्चा तो एक बार खाया तो चला लेता हूँ पूरा पैकेट तो गायब हो जाता, फिर दिखता लोग पहले वो छोटा ले जाता है एक ही बोले पहले उसको नहीं बोलते बड़ा नहीं लेना, बोलते हैं उसको पहले आज आपके बड़ा के लिए आपके पास बड़ा नहीं ले लेना आप एक छोटा से, किसी भी कस्टमर को एक बार ज्यादा नहीं देना पहले छोटा दीजिए, वो छोटा ले जाएगा घर में रखेगा बच्चा सब खा जाएगा, आप कल क्या होगा बच्चा डब्बा लेकर घूमते रहेगा हाँ वो बिस्कुट दे तो करने का रोएगा, फिर ध्यान हो क्या आता है कहता है कि सर कुकीजवा तो बचवा खा गया और कहां से ले जाए बहुत महंगा, वो तो बहुत महंगा है पैसा नहीं है बोले बहुत महंगा है, हाँ ये तो देखिए अच्छा चीज महंगा मिलता है, अच्छा चीज कोई सस्ता उसका होता नहीं, अगर आप सोना के दुकान में जाएंगे तो सोना सस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पावर है वैल्यू, मेरा कुकीज का वैल्यू है पावर है, उसमें अगर पढ़े लिखे आपके घर में है कोई केमिकल नहीं है कोई कलर नहीं कुछ नहीं है, आप उसको पढ़ाइए, आप बाजार में अगर कोई आपके पास तो गूगल में सर्च कराइए E6131 आप उसको सब नजर आ जाएगा क्या क्या बाजार के कुकीज में, एक बार प्रोजेक्टर पर आप दिखा दीजिए खोल के, उसके बाद कोई कुकीज के बाहर खाने वाला तैयार नहीं है, आप लोग देखे उसमें खोल के कितने लोग देखे सर्च करके नहीं देखे इसलिए नहीं दिख रहा 11631 आप गूगल खोल के सर्च करके पब्लिक को पर्दा को दिखाइए, आप खोलाइए क्या आप लोग खा रहे बाजार की, जब तक वो देखेगा नहीं आपको बात मानने होने वाला नहीं है, जिस दिन वो खोल के देख लेगा उसमें सुअर के चर्बी डाला हुआ, एक बार सुनेगा हिंदू सुनेगा तो उन्हें दिमाग गरम, मुस्लिम सुनेगा तो उन्हें दिमाग गरम, कोई बिस्कुट लेने होने वाला जल्दी तैयार नहीं है, हम खोल के दिखा दिए पूरा चार्ट, उसके बाद मेरा कुकी से खाने का पसंद होना चालू कर दिया, आज भी कुकी हम लोग बिहार स्टेट में गोदाम में जम व्यवस्था होता नहीं है, हम लोग तो जिलों का काम करते रहते हैं, सर ये सामान जर गया तो वो सामान जर गया वो सामान जर गया, ये लोग सर परेशान रहते लेकिन अब मेंटेनेंस मेरा आ गया, चलिए धन्यवाद दे देते हम लोग मैनेजमेंट के, हम लोग के मांग पूरा हो गया, बहुत समय देखते रहते हैं।
तो क्या पॉजिटिव बात है? अगर सामान झड़ जाए तो पॉजिटिव बात है कि नहीं? हम लोग कहते हैं कि सामान झड़ते जाओ तो इन लोगों को तंग करते जाओ, इधर सामान झड़ते हम मेरा पीढ़ी बढ़ते जाएगा, बोनस बढ़ते जाएगा। तो एक कहानी भी क्या है, कोई कुछ बोले आपको बहरा बनना पड़ेगा, बहरा बन के चलना पड़ेगा। 100 मेंढक की कहानी है, एक मेंढक ऐसा था जो धीरे 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 तला पर चल रहा था, नीचे 99 बेर चिल्ला रहा था, अरे भाई उतर जा, गिर जाएगा तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा, उतर जा। एक मेंढक ऐसा था कि नहीं, उसको दुनिया देखने का मन था, दुनिया देखने का मन था, दुनिया कोई चिल्ला रहा, कोई कुछ कर रहा, ऊपर जन करा नीचे करा, कूद जा मर जाएगा, गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। अरे वैसा क्या था, धीरे धीरे लास्ट पर चढ़ गया, नीचे चिल्लाता रह गया। उसी तरह से आपको टेंशन प्लेटफॉर्म है, टेंशन में कोई आपको कट छट करते रहे, टेंशन नहीं लेना, आपको खुद एक बहरा दिन बन जाना है। चलिए 6 के लिए एक जोरदार ताली। तो एक मन भी आपको याद रखना है कि हम क्या क्या सुने। हम लोग तो एक क्राउन अम्बेसडर का मीटिंग सुने थे, अब आप लोग कितना खुश नसीब है, 6 क्राउन अम्बेसडर नहीं, अब 7 क्राउन अम्बेसडर एक बार सुनते हैं, और सोच लीजिए कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो जानना चाहते हैं जो 1 क्राउन अम्बेसडर का जो मीटिंग सुने थे, वो कोई और नहीं है, इंडिया का गुरु माता पिता डॉक्टर रत्ना नायक प्रोफेसर के लिए जबरदस्त तालियां। अभी बताया जाए, आप लोग उनको अभी पहचाने नहीं है, कदा भगवान को मिल जाते हैं सामने आ गए तो हम पहचानते नहीं है, कौन आदमी नहीं पहचानता है। अगर जो भगवान आपके पास आ जाए और आप नहीं पहचान रहे हैं, जिसके पास अगर जो भगवान ठीक है मेरे पास ज्ञान है, मगर बिना तपस्या किए हुए, मतलब बिना मेहनत किए हुए, अगर जो भगवान आपको पास खड़ा होकर के बोले मांगो, जो मांगना है हम देने के लिए तैयार है, क्या पहचान पाइएगा? वही हाल हो रहा है DXL में, इतना बड़े भगवान आप लोग सामने आते हैं बार बार, मगर अभी पहचान नहीं रहे। ये बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये बात को इसलिए आज बोल रहे हैं कि ये हम अपना महसूस किया हुआ चीज को। बिहार शरीफ में जो अभी सुन रहे थे कि बिहार में बहुत ग्रोथ हुआ, इतना ये हुआ, तो इस बार पिछले महीना हम लोग जो मीटिंग किए थे, जो 5000 आदमी कितना पीवी बना के आए थे, कल से अभी सुन रहे हैं, है ना, जानना चाहते उसका राज के बाद इतना जल्दी कैसे हो गया। तो हम लोगों को
प्रोफेसर सर कॉल किए डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर के लिए भीड़ जबरदस्त तालियां होनी चाहिए कि कैसे हम लोग कैसे भरपूर फायदा उठाते हैं। हम क्या हुआ कि सभी को टिकट मतलब पहले तो प्लानिंग नहीं था इस समय, मगर अचानक प्लानिंग क्या हुआ कि जब टिकट की अभी छपा भी नहीं, अभी हॉल भी नहीं बुक हुआ, टिकट जब हम बात करने लगे तो टिकट शॉर्ट हो गया 5,000 वाला में। अब क्या किया जाए, अब तो भारी टेंशन है, पता हमको और दीजिए अभी और दीजिए अभी, बट टिकट भी नहीं छप के आ रहा है, टिकट और हमको सब बुक पहले से हो गया। हम बोले अब किसको मना करें, अभी टिकट भी दिया है, इतना सारा बुक भी हो गया, अब ऐसा कंडीशन ही कर देते हैं कि ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आपको ऐसे टिकट मिलेगा ही नहीं, नहीं देंगे जब तक आपके नाम पर 3,000 पीवी नहीं। उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, आपका 3,000 कंडीशन, जब कंडीशन को फॉलो किए तो सबसे पहले कौन बनाएगा, मेंबर को बोलेंगे, डायमंड को बोलेंगे कि पहले खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे नहीं, खुद हम जब से ज्वाइनिंग किए मेरा रिकॉर्ड है 1 तारीख को मेरा 3,000 पीवी रहता, मेरा रिकॉर्ड है खुद का 3,000। तो इस तरह मेरे बहुत सारे डायमंड है, वह स्टार भी बनाता है 1 तारीख को 3,000 पीवी, मगर उसका बिजनेस को उछाल लाने के लिए कंडीशन को याद आया कि इसी तरह में तो बिजनेस, अब भगवान आ रहे हैं इतना सारी से दर्शन करा देंगे इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 3,000 पीवी 5,000 आदमी के, मेरा टीम से खाली बता रहे थे मेरा 30,00,000 पीवी बढ़ा था उसी महीना।